भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा, ओ। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम गुरु डोगमार्ग के काफी नजदीक आ चुके हैं। आई थिंक वो 3 से 4 किलोमीटर है भी और हमारे नजदीक में। और आप ये चीज भी देख सकते हैं कि आसपास का जो माहौल है, जो एक सिनेरियो है, काफी अच्छा सिनेरियो है। और भाई साहब देख रहे हो क्या गजब का व्यू यार, एकदम इतना प्यारा सा जो लुक आ रहा है ना, इतना ऑसम सा लुक है। पूरी की पूरी ना एक बर्फ की चादर बनी हुई यार, क्या ही बताया जाए, बहुत ही ऑसम लग रहा है देखने में। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है बहुत ही अच्छा है। और आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास जो दृश्य देख रहे हैं हम, वो बिल्कुल बर्फ से ढकी पड़ी है, बिल्कुल लंबी लंबी चादरें जैसी बिल्कुल फैल चुका है पूरा फील्ड, कह सकते हैं पूरा एरिया में जो है काफी बर्फ फैल चुके हैं। और अभी हमें देखने के लिए एक चीज और मिल रहा है, जो कि ये चीज है कि अभी टाइम जो है मॉर्निंग के 10 से 11 बज रहे होंगे, आत्मा रोड देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल मस्त वाले रोड है, बिल्कुल स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल है बट बहुत ही अच्छा है। तो हमें बिल्कुल कंफर्ट फील हो रहा है बाइक चलाने में, मतलब किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इतनी इस टाइप की जगह में हमारे इस टाइप के रोड मिल पा रहा है, तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और फाइनली गाइस, हम जो है गुरु डोगमार्ग के बिल्कुल मुहाने तक पहुंच चुके हैं, बिल्कुल नज़दीक हैं। आई थिंक 500 मीटर और होगा भी यहाँ से, क्योंकि अब हमारे पास जितने भी हैं वो ऑफ रोड बचे हैं। और यहाँ से देखने का मुझे मिल रहा है वो बिल्कुल ऑफ रोड है। हमारे पास जो रोड था यहाँ तक पहुँचने के लिए अच्छा वाला, वो अब यहीं तक था। तो चलिए अब ऑफ रोड का भी मज़े लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा, क्योंकि ऑफ रोड करना भी थोड़ा बहुत अच्छा आनंद देता है। क्योंकि हमने कल मॉर्निंग में लाचेन से जब निकले थे तो काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड किया था, और उस ऑफ रोड में हमें काफ़ी ज़्यादा मज़े भी आए थे, कुछ एडवेंचर भी हुआ था, तो वो राइड हमें बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं थोड़ा ऑफ रोड ज़्यादा प्रीफर। कह सकते हैं कि यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है बहुत ही अच्छा है। और आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास जो दृश्य देख रहे हैं हम, वो बिल्कुल बर्फ से ढकी पड़ी है, बिल्कुल लंबी लंबी चादरें जैसी बिल्कुल फैल चुका है पूरा फील्ड, कह सकते हैं पूरा एरिया में जो है काफी बर्फ फैल चुके हैं जो इंसान के लिए। अरे भाई भाई भाई, बहुत ही खतरनाक वाले रोड है यार, बिल्कुल दिक्कत है चलाने में, मतलब एक नया ड्राइवर ना इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिल्कुल ऑफ रोड है तो थोड़ा सा संभलने में टाइम लग जाता है इंसानों को, और वो इतना टाइम लग जाता है कि जो नया बंदा होगा वो तुरंत मतलब गिर जाएगा। तो थोड़ा संभल के चलना है, क्योंकि ऑफ रोड है तो थोड़ा बहुत हैंडल और मैनेज करके ही चलना पड़ेगा। और हमारा स्पीड जो है नॉर्मल 10-15-20 इतना ही होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हम जा नहीं सकते। और काफ़ी लोग जो हैं अभी रिटर्न आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिनी कैब्स जो हैं वो रिटर्न आ रहे हैं, तो उस चीज़ को देख के लिए हम अच्छा लग रहा है, क्योंकि माहौल वहाँ का और भी अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया आनंद देखने के लिए मिलेगा हमें। और भाई साहब फील तो ऐसा हो रहा है ना कि पूरा काफिला ही आ चुका है, और सारे मतलब मिनी कैब्स जो निकल रहे हैं, जितने भी कार से वो निकल रहे हैं यहाँ से, बोलेरो, स्कॉर्पियो, टाटा सुमो वगैरह सब निकल रहे हैं, तो मैं देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। ओ भाई साहब, लगता है
अभी हमें देखने के लिए एक चीज़ और मिल रहा है, जो कि ये चीज़ है कि अभी टाइम जो है मॉर्निंग के 10 से 11 बज रहे होंगे, आई थिंक मैं टाइम देख नहीं पाया अभी तक, बट ये चीज़ देख रहा हूँ कि जो इतने भी टूरिस्ट और थे जो अभी रिटर्न ले रहे हैं वहाँ से, काफ़ी ज़्यादा रिटर्न आ रहे हैं वहाँ से, तो इतना मॉर्निंग में भी वहाँ से लोग रिटर्न आ जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। मीन्स वो सुबह के अगर वो लाचेन से भी निकले होंगे या लाचुन से भी निकले होंगे तो सुबह के 7 से 8 बजे तक निकल चुके होंगे, देन अभी वो रिटर्न आ पा रहे हैं। आपको दिख रहा है कि मैं गुरु डोंगर पहुंच चुका हूं और जीरो से आपको ये वीडियो दे रहा हूं, तो अभी ये वीडियो जो है मुझे नहीं लिख पा रहा कि मैं आगे वीडियो बना दे पाऊंगा। वो कर रहे हैं और इसका बिल्कुल गुड उमर का और बिल्कुल फेस वाला वीडियो मैं आपके लिए कल अपलोड करूंगा, जो कि और भी बेहतरीन होगा, उसका लेंथ भी बहुत कम होगा बट बहुत बेस्ट रहेगा, तो कल जरूर देखें।